हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिवीजन की कंसेप्ट को समझेंगे। उसके साथ ही देखेंगे कि डिवीजन में जब जीरो आता है तो क्या होता है, और इसके बाद हम फन टाइम में एक बहुत ही फनी कॉमेडी सीन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। डिवीजन, डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना, और मैथ्स में डिवाइड करना मतलब चीज़ों के इक्वल पार्ट्स बनाना। जी हाँ, मैथ्स में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, तो आप झट से जवाब दोगे कि 4। तो चलो इसे देखते हैं कि ये कैसे आता है। सोचो अगर आपके पास 12 एप्पल है और आपको इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो भी इक्वली, तो आप इसे कैसे करोगे? जी हाँ, आप इसके 3 इक्वल पार्ट बनाते समय हर पार्ट में 4 एप्पल रखोगे, यानी कि 4 एप्पल का एक पार्ट, ऐसे आप 3 पार्ट्स बनाओगे। तो यहाँ आपका आंसर आ गया। आपने यहाँ 12 एप्पल्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 12 को 3 से डिवाइड किया, और इसका जवाब आया 4। ये तो हुई प्रैक्टिकल अप्रोच। अब हम यहाँ थोड़ी अप्रोच को चेंज करते हैं। यहाँ आपको 12 डिवाइडेड बाय 3 फाइंड करना है, यानी कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसने अगर 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आना चाहिए, और आपको तो पता ही है वो नंबर है 4। अगर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जवाब आएगा 12। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पूछूं 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, चलो देखते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर फाइंड करना मतलब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसने अगर 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आना चाहिए, और हाँ, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 0, क्योंकि 0 ने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आता है। तो 0 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर आएगा 0। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि अगर 0 को किसी भी नंबर ने डिवाइड किया तो उसका आंसर आएगा 0। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर 3 को 0 ने डिवाइड किया तो क्या आएगा? आपको यहाँ एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसने अगर 0 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 आना है। फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा नंबर पता है जिसने अगर 0 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 आएगा? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसने अगर 0 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 आए, क्योंकि हर नंबर को 0 ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 0 का आंसर हम बता नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर को 0 ने डिवाइड किया तो इसका आंसर हम बता नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसने अगर 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 न आए, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आइए। तो चलो फन टाइम देखते हैं। और हाँ, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करने की आसान ट्रिक चाहिए जिससे आप कुछ ही सेकंड में स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड कर सके, तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियोस देख ले। उन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलो फन टाइम शुरू करते हैं। और भाई कैसा है, हैप्पी दिवाली? कौन सी गाली? गाली नहीं भाई, हैप्पी दिवाली। अबे कौन सी गाली? अबे हैप्पी दिवाली, तेरा बाप मवाली। मैंने कभी बोला मवाली? अच्छा हैप्पी दिवाली, हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अच्छा छोड़, ये बता कैसा है? पैसा नहीं है भाई, पैसे के लिए फोन मत करो यार। अबे मैं पूछ रहा हूँ कैसा है? बोल रहा हूँ पैसा नहीं है, जब देखो यार पैसे के लिए फोन करते रहते हो तुम लोग। अरे यार छोड़, जाने दे मेरे को। ये बता, दीदी घर गई? बीवी मर गई? अबे बीवी मर गई नहीं, दीदी घर गई। वही पूछ रहा हूँ, बीवी मर गई? मैंने कभी बोला यार बीवी मर गई, मैं बोल रहा हूँ दीदी घर गई। अरे लेकिन ऐसे कैसे मर गई भाई, कैसे मर गई बीवी तुम्हारी? अबे बहरे बहरे। अच्छा ठहरे ठहरे मर गई? ठहरे नहीं, बहरे साले। घेरे नाले में मर गई? कमाल की बीवी थी तुम्हारी, कभी ठहरे ठहरे मरती है, कभी गहरे नाले में मरती है। मैं भी तुझे मेरे को कितना परेशान किया साले, मैंने तेरे को विश करने के लिए फोन किया। किस करने के लिए फोन किया? किस नहीं, विश करने के लिए फोन किया। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, किस करने के लिए फोन किया, विश करने के लिए नहीं।
मेरे को लगा विश करने के लिए फोन किया। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं दिवाली विश करने के लिए फोन किया था भाई। हैप्पी दिवाली। तेरा बाप मवाली साला, रख फोन, हट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।